दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 शेयर बताऊंगा जो बहुत ही खास होने वाले हैं। ये वो शेयर होंगे जिसमें COVID-19 के बावजूद भी कोई खास असर नहीं पड़ा होगा। ये वो शेयर्स होने वाले हैं जो आने वाले सालों में अगर आपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया तो आपको करोड़पति बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको कौन से शेयर्स में निवेश करना चाहिए, कितनी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है और आने वाले समय में अगर आपने उनमें निवेश किया तो आपको करोड़पति कैसे बना सकते हैं। एक एक शेयर की प्रॉपर चर्चा करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। ये वीडियो ना केवल आपको अच्छे शेयर्स चूज करने में मदद करेगा बजाय कि शेयर मार्केट में आपके भरोसे को भी बढ़ाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपुल कौशिक, आपका दोस्त। शेयर बाजार में 18 साल के अपने अनुभव को आपसे बांटने आया हूं। जी हां, मैं एक ट्रेनर, ट्रेडर और मोटिवेटर की तरह शेयर बाजार में बहुत सालों से काम कर रहा हूं और आज इस वीडियो में आपको मोटिवेट करना है शेयर बाजार में निवेश के लिए। चलिए दोस्तों, अब आपका इंतजार खत्म हुआ और आप बात करते हैं ऐसे टॉप के 5 शेयर्स जो आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं एक एक करके, और हर शेयर के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि हम इस पे क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों इसको वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसके फंडामेंटल्स चेक करने के लिए आपके लिए छोड़ देता हूं थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए। पर अगर आप चाहते हैं इसके फंडामेंटल्स के लिए भी एक वीडियो सेपरेट बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अभी जाके कमेंट कर दीजिए कि कौन कौन से शेयर्स के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं ताकि इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए और लेके आता रहूं। चलिए देखते हैं सबसे पहला शेयर इस कैटेगरी में कौन सा है। दोस्तों स्क्रीन पे आपके आ रहा है, देखिए सबसे पहला मेरा इस कैटेगरी में है FMCG सेक्टर से ब्रिटानिया। मैं ब्रिटानिया की बात कर रहा हूं। ब्रिटानिया क्या बनाता है दोस्तों? बिस्किट्स बहुत फेमस है ब्रिटानिया का, आपको मालूम है। न्यूट्री चॉइस, लिटिल हार्ट्स ऐसे बिस्किट्स हैं जो बहुत ही फेमस है, जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत ज्यादा कंज्यूम होते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री जो बिस्किट्स के लिए बहुत खास कर है। FMCG का बहुत ही मेन शेयर है ब्रिटानिया। करंट भाव 3800 के आसपास चल रहा है। मार्केट कैप 91,000 करोड़ की है। पिछले 3 महीने की जो रिटर्न है 5.68% है। पिछले 1 साल की रिटर्न दोस्तों 29.36%। जी हाँ, कोविड को भी झेल लिया ब्रिटानिया ने, आप सोच के देखिए। और पिछले 5 साल की जो एवरेज रिटर्न है वो 19.84% के आसपास, और 10 साल की रिटर्न 33%। दोस्तों हैरान हो गए आप, 10 साल की CAGR एवरेज रिटर्न जो है 33% की, कौन नहीं इस शेयर को लेना चाहेगा। दोस्तों अगर ब्रिटानिया में अगर आपने मात्र हजार रुपए हर महीने की SIP की, आगे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। अगर आपने मात्र 1000 रुपए शेयर में लगाए तो आपकी जेब से अगले 25 साल में सिर्फ 3 लाख रुपए जाने वाले हैं। 20-25 साल की निवेश तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं आपके बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, और आपकी उम्र अगर मेरी तरह है तो आप 20-25 साल की प्लानिंग कर सकते हैं। मैं एक 25 साल की एवरेज प्लानिंग करके चल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, बहुत सारे फ्रेशर्स इसको देख रहे हो जो निवेश करना चाहते हैं। निवेश के लिए बहुत ही बेहतरीन शेयर है ब्रिटानिया। अगर आपने 1000 रुपए अगले 25 साल लगाए तो आपकी जेब से मात्र 3 लाख रुपए जाएंगे। और अब ये मान लें कि एक जैसा 10 साल में रिटर्न 33% के आसपास हम ब्रिटानिया ने दिया है अभी तक कोविड को झेलने के बावजूद भी, और आने वाले 10 साल में अगले वाले 25 साल में 33% की रिटर्न्स देता रहा तो आपके 3 लाख रुपए दोस्तों बढ़ के 12.79 करोड़ रुपीज हो सकते हैं, 12.79 करोड़। और वही अगर आप SIP 5000 रुपए पर महीने के शेयर में कर देते हैं तो यही आपकी रिटर्न्स बढ़ के हो जाती है 64.77 करोड़। विश्वास नहीं हो रहा दोस्तों, ये नंबर गेम है गाइस, आई लव नंबर गेम्स। आपको ब्रिटानिया में निवेश करना होगा, मंथली SIP प्लान करनी होगी, एक डेट तय करनी होगी और हर महीने आंख बंद करके पैसा लगाते जाना है। दोस्तों ये रिटर्न बहुत ही शानदार है। पिछले 10 साल की रिटर्न 33% के आसपास की ब्रिटानिया की है, जो आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू हो सकती है, कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। अगला शेयर हमने चूज किया IT कैटेगरी से, जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी को क्यों खासकर हमने चूज किया? दोस्तों देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से ये कंपनी आती है, 800 रुपए के आसपास का इसका भाव है, 2,20,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। पिछले 3 महीने की रिटर्न 45% की है गाइस, 45% की, और पिछले 10 साल की रिटर्न अगर आप देखना चाहे तो 22.69% के आसपास की रिटर्न, कमाल की रिटर्न है दोस्तों। ऐसी कंपनी आपको नहीं मिलेगी। CAGR 22%। अगर आप इस कंपनी में 1000 रुपए प्रति माह निवेश करते हैं अगले 25 साल के लिए तो आपके 3 लाख बढ़ के बन जाते हैं 1.5 करोड़ रुपए। किसी भी FD में आपको रिटर्न नहीं मिलने वाली है गाइस, बिल्कुल नहीं मिलने वाली। 3 लाख रुपए के 1.5 करोड़ रुपए, वो भी 3 लाख रुपए आपको SIP के माध्यम से देने हैं, हर महीने निवेश करना है। वही अगर आपने 5000 रुपए की SIP इसमें प्लान की, SIP मतलब आपको म्यूचुअल फंड नहीं लेना है, 5000 रुपए के शेयर्स हर महीने खरीदने हैं, वही 1.5 करोड़ की बजाय आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ के हो जाएगा 7.5 करोड़, 7.4 करोड़ रुपीज के आसपास। अमेजिंग रिटर्न्स गाइस। और ऐसा ही एक शेयर FMCG से हमने निकाला है, पेंट इंडस्ट्री से हमने इसको निकाला है, ये भी कंज्यूमर गुड्स में से ही आता है गाइस। जी हां, इसकी रिटर्न भी बिल्कुल सेम है HCL टेक्नोलॉजी की तरह। इसमें भी अगर आप 3 लाख रुपए निवेश करते हैं 25 सालों में, 1000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से आपका 1.5 करोड़ के आसपास बनता है, और 7.5 करोड़ बनता है अगर आपको 5000 रुपए महीने की निवेश इसमें आप करते हैं। अगला दिग्गज नाम दोस्तों, गैस कीजिए,
जी हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, ये भी मैंने एफएमसीजी से ही चूज किया है, क्योंकि दुनिया में लड़ाई हो, झगड़े हो, मार काट मचे, कोरोना वायरस हो, कल को कोई और वायरस आ जाएगा तब भी लोग खाना पीना बंद नहीं करेंगे। दोस्तों कोविड के चलते अगर आपको पता होना चाहिए, दुकानें खुली थी तो राशन की दुकानें खुली थी, डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुले हुए थे, लोगों ने भर भर के माल अपने घर में रख लिया था कि पता नहीं लड़ाई छिड़ेगी इंडिया चाइना में या अमेरिका चाइना में, या क्या होगा, या कोविड कंट्रोल में आएगा या नहीं आएगा, पर लोगों ने घी तेल साबुन सर्फ आटा दाल चीनी लेना बंद नहीं किया। दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं, हिंदुस्तान लीवर एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स सुने होंगे, रेक्सोना, लक्स, पियर्स, पोंड्स, ऐसे ऐसे बहुत सारे दिग्गज नाम हिंदुस्तान लीवर के अंदर में आते हैं। दोस्तों जो आप प्रोडक्ट चूज करते होंगे, यूज करते होंगे, आपको नहीं मालूम होगा कि वो हिंदुस्तान लीवर से आ रहा है। किसान जैम, नौ सूप्स, डव, लैक्मे, क्लियर, सर्फ एक्सेल, किसान जैम, ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा बिकते हैं, घर घर में बिकते हैं, गांव गांव में बिकते हैं, शहर शहर में, गली गली में बिकते हैं। दोस्तों ऐसा शेयर आपको कभी धोखा नहीं देगा। हिंदुस्तान लीवर ने जो पिछले 10 साल की रिटर्न दी है वो 21% के आसपास की दी है। अगर आप इसमें 1000 रुपए प्रति महीने का निवेश करते हैं आने वाले 25 साल के लिए, तो 1 करोड़ के आसपास आपका निवेश बन जाएगा। और वही निवेश अगर 5000 रुपए प्रति माह का करते हैं तो आपका निवेश हो जाएगा 5.36 करोड़। दोस्तों ये वो सभी कंपनीज हैं जो डिविडेंड भी देती हैं, बोनस भी देती है, वो इसमें शामिल नहीं किया है। दोस्तों अगर वो शामिल कर लेंगे तो हो जाएगा। ये कंपनीज आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज कर सकती हैं, आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। इसी कैटेगरी में पांचवा शेयर जो मेरा फेवरेट है, जिसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस में टाइम टू टाइम बना चाहता हूं, एक ऐसी दिग्गज कंपनी जो सबके सामने अरबों खरबों रुपए की होगी। दोस्तों एक ऐसा शेयर, एक ऐसा जबरदस्त बिजनेसमैन जिसने कोविड के चलते लाइन लगा दी अपनी कंपनी में स्टेक सेल करने की, आप अभी तक समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं धीरू भाई अंबानी के बड़े सुपुत्र मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की। रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज कौन नहीं जानता। दोस्तों कोविड के चलते 5 से 6 महीने के अंदर अंदर में ये कंपनी 6 लाख करोड़ से आज 15 लाख करोड़ की वर्थ की हो गई, लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया हुई। दोस्तों आप समझ के देखिए, और अभी भी स्टेक बिकना जारी है। दोस्तों जियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ला रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसमें रिलायंस ने बहुत सारे स्टेक बेचे। दोस्तों बहुत सारी कंपनीज ने इसमें स्टेक लिया, जियो, फेसबुक जैसी दिग्गज कंपनीज ने इसमें स्टेक लिया। दोस्तों एक टाइम पे सिर्फ पेट्रोलियम और रिफाइनरी के बिजनेस को जाने जाने वाली कंपनी आज हर काम कर रही है। रिलायंस को रिलायंस रिटेल के नाम से भी जाना जा रहा है, जैसी ग्रोथ रिलायंस दिखा रहा है। दोस्तों अगर ये ग्रोथ चलती रही, ये एक्विजिशन चलते रहे, ये स्टेक सेलिंग चलती रही, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों रिलायंस पूरे वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोच के देखिए एक चीज, लोग कहेंगे इसकी वैल्यूएशन बहुत हाई है, चलिए मान लेते हैं, पर ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं कि इसमें निवेश कर रहे हैं? जो निवेश कर रहे हैं वो कोई 5000 करोड़ रुपए लगा रहा है, कोई 10000 करोड़ लगा रहा है, कोई 2000 करोड़ लगा रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई 30000 करोड़ लगा रहा है। दोस्तों मुझे अगर पैसा लगाना होगा किसी में, सोच समझ के लगाऊंगा, मैं उसका प्रॉमिस देखूंगा उस सेक्टर में, वो प्रॉमिस मुझे मिलने के बाद तभी तो अपना निवेश करूंगा। और गूगल जैसी कंपनीज, फेसबुक जैसी कंपनीज, अगर सिल्वर लेक जैसी कंपनीज अगर इसमें निवेश कर रही है, तो हमें निवेश करने में सोचना नहीं चाहिए। दोस्तों मैं SIP के माध्यम से निवेश करने की सलाह दे रहा हूं, जिसमें कभी भी कोई भी भाव महंगा नहीं होता। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट हमेशा मिलता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मेथड का, जो आप SIP के माध्यम से करते हैं, जिसमें आपकी वैल्यूएशन बहुत ही शानदार हो जाती है। बाजार की हर गिरावट में आप पैसा लगाते हैं, हर बाजार की तेजी में पैसा लगाते हैं। SIP के माध्यम से जो निवेश हम करते हैं वो बहुत ही शानदार ग्रोथ करता है। और रिलायंस में अगर 16% के आसपास की जो CAGR रिटर्न हम देख रहे हैं 10 साल की आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी, अगर उसके हिसाब से हम 1000 रुपए प्रति महीना लगाते हैं तो 42,42,000 रुपीज हमारे 3 लाख रुपए कन्वर्ट हो जाएंगे, और 2 करोड़ के आसपास हो सकता है अगर हम 5000 रुपए महीने का लगाते हैं। तो दोस्तों ये मैं चॉइस आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप 1000 रुपए लगाएंगे या 500 रुपए लगाएंगे या आप 10000 रुपए लगाएंगे या 5000 लगाएंगे, बट लगाएंगे जरूर। दोस्तों एक प्रॉमिस आपको करना होगा कि आप स्टॉक मार्केट को सिर्फ सट्टे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्टॉक मार्केट को समझेंगे, लर्न करेंगे, उसकी बारीकी को देखेंगे, आप फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस को सीखेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस को सीखेंगे। जो फ्यूचर की कंपनी है उसके लिए डेटा स्टडी करना बहुत जरूरी है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को स्टडी करना बहुत जरूरी है, ऑप्शन चेन को स्टडी करना बहुत जरूरी है। दोस्तों कोविड के चलते अभी क्लासेस नहीं चल रही है, बट हाँ जैसे ही समय लगेगा, माहौल बनेगा, अपनी क्लासेस जरूर ऑन होगी। सीखना चाहेंगे आप सीख सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बट जब तक आप क्लासेस ज्वाइन नहीं करते मुझसे सीखें, किसी से भी सीखें, हमेशा कहता हूं बट सीखें, क्योंकि जिस दिन आप सीख लेंगे स्टॉक मार्केट को जुआ नहीं कहेंगे। दोस्तों फंडामेंटल्स के साथ साथ में टेक्निकल्स खाना बहुत जरूरी है ताकि आप उस चाल को समझ सकें। अगर आप टेक्निकल्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो जो ये 20% की रिटर्न है या 30% की रिटर्न है, ये बढ़ के 40%, 50%, 60%, 200% की भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको उन मौकों को पकड़ना आना चाहिए और शेयर्स में से टाइम पे एंट्री और टाइम पे एग्जिट करनी आनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप अपनी SIP को आज ही स्टार्ट कर देंगे शेयर्स में निवेश करके और करोड़पति बनने का अपना कदम उठा लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो कभी भी आपसे मिस ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।